ये क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ओबेड बाय द अबव एग्जांपल। ये अपने पास एक एग्जांपल दे रखा है 14 ग्राम 28 28 और ऑप्शन बन रहा है 16 32 32 80। तो इसमें अपन इधर एक के मास को फिक्स कर दें, मतलब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इधर भी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इधर भी, 32 64, ये 32 है ही ऑलरेडी, ये 80 है ही, यहाँ 2 से करने से ये 28 हो गया, ये 28 हो गया, ये 28 है ही, ये 28 है ही। तो एक के मास को फिक्स कर दिया। अब दूसरे के मास का रेशो देखते हैं, ये 32 हो गया, ये 64 है, ये 32 है, ये 80 है, तो 16 से कट रहा है, 16 2 जा 32 16 4 जा 64 16 2 जा 32 16 5 जा, मतलब ये जो रेशो आ रहा है सिंपल आ रहा है और होल नंबर में भी आ रहा है। तो ये लॉ का नाम क्या है जिसमें एक के मास को फिक्स कर दें फिर दूसरे एलिमेंट के मास का रेशो करें तो वो सिंपल और होल नंबर में आए? तो इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल, मल्टीपल चीजें बन रही ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल चीजें बनने की है, दो कंपाउंड दो सब्सटेंस को रिएक्ट करने पे मल्टीपल कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो एक का मास फिक्स कर देंगे दूसरे के मास का रेशो करेंगे ना तो सिंपल आएगा और होल नंबर में आएगा। इस नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।